अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एरे दे प्यो ये तलवाणी वाला रोड है। तलवाणी वाले रोड को नु घेंते ये बिल्कुल इथों किर ये रोड ये जो रास्ता तक नज़रदा पेना सही इथों किर छनेली वास्ते अब्बासी साहब रोड बनवेंदे पेन ताकि तलवाणी तो छनेली तो छलेली तो तलवाणी आवन वजन वास्ते छनेली के तमाम दोस्तों को एक बड़ी आसानी थी वैसे आवन वजन वास्ते। अब्बासी साहब सही ये रास्ता बनेंदे पेन पक्का बल्कि पक्की रोड बढ़ती पी है बाकायदा। तो अल्लाह पाक साजिद अब्बासी साहब को सलामत रखे। तो इतना के इर्द गिर्द जितने दोस्त है बाप ने इन्हें वास्ते जमीन दी है ही रोड वास्ते रस्ते वास्ते उन्हें भी बहुत शुक्रिया। इतों के रसन जुलते पे से असं तो कुछ लिखेंदे से कि ये आ गई नहर सही ये नहर कनू ई कट करते लैफ्ट हैंड साइड से इतों के सीधा वैसे अपने जेरे मलिक बिरादरी है अपने खोखर बिरादरी है जी उन्हें घर के पिछू उन्हें घर के पिछू ना असी ये बिल्कुल रस्ता बढ़ता पे। तो देखो ये इतना केर ये पुल बन वैसे इतना केर घर के पिछू पहुंचते सी इतना केर एक पुल बन वैसे पुल कनू वाला सीधा सीधा रस्ता बढ़ से सीधा सही ए छनेली दी तरफ माशाल्लाह। रोड निकल रही है छनेली वास्ते नहर तो इतु कर वीआईपी पुल बढ़ से बेहतरीन तरीके से बस्ती खोखर बस्ती खोखर की बस्ती गुलाम रसूल खोखर का द बेनिफिट है उन्हें की सब बेच बीच गुजर दी भी है। ये देखो ये सीधा हाथ भाई जान की गेट चले ली बस्ती की गेट चले ली बहुत सही कदीम बस्ती है पाकिस्तान में है पहले भी है जी हां जी जी लेकिन रास्ता ना हो होने की वजह को ज्यादा ना हो तो हूं बैक पे है तो बैक हो रही है ठीक है बैक बैठे आने आती है डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट अब्बासी साहब दशा काबशा उन्होंने एफर्ट्स उन्होंने मुहब्बत एरिया इलाके वास्ते तो ये देखो जो उन्होंने मुहब्बत से लोगों के तावन के नाल अज ये काम शुरू हुआ काफ़ी दिहाड़े तो काम शुरू हुए इन शाला कुछ अरसे मामला कंप्लीट हो गया एक मंथ के इनशाला रस्ता कंप्लीट करेगा ये मामला से कम चलते पे माशाल्लाह लेबर लगी हुई है मजदूर लगे पे काम थी ना पे गाड़ियाँ देखो कम करें पे इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ये रास्ता छनेरी तक अटैच थी वैसे इंशाल्लाह मेरे को काम चल रहा है बराबर कम चल रहा है वैसे सब इंजीनियर साहब से सारे मौके पर मौजूद होने जो वर्क थी ना पे जो लेबर चल रही पे उन्होंने सब इंजीनियर साहब मौजूद होने मोहम्मद अरशद अब्बासी साहब सबको विजिट करवाएं पे खास तौर पर ये तलवाणी साजिद अब्बासी साहब के टाउन को रखते छनेली तक का जो रोड बढ़ता पे उन्होंने विजिट करवाएं पे ठीक अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो ये देखो अभी असा एंड तक आ गए थे जिस तक ये रोड का रास्ता बन चुके वाटर को मीठा के लिए कार में साल तो कार में तो नए जो सोलर प्लेट वेंदी पे सीधा जगह चनेली क्या मैं मस्जिद मीनार नजर आने वाह हसन से तो कर दो कुछ चनेली वस्ती दिखा रहे से चनेली वस्ती से ये सारे वास्ते है वे ये इतों के ये रास्ता इधर तक कंप्लीट हो गया ये अशद भी हो देना ते ए देखो सही इथा के तक जामिया मस्जिद दा मीनार दिखने से ये जामिया मस्जिद ये वस्ती है चनेली भी जितनी तक अब्बासी साहब की कोशिश हुई कि ये रस्ता इन्हें को प्रोवाइड किया वे ताकि आमो दरफ के मामला बेहतर थी वन अरशद अब्बासी साहब अस आखूँ वाह 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 असं सी उन्होंने मुहब्बत को एप्रीशिएट करें से जाम साहब जी को ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਇਹ ਦੇ ਵਾਲ ਉਤਾਂ ਕੇ ਲਾਪਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਂ ਰੋਡ ਚਲੀ ਵੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉਸਾਂ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੋ ਜੋ ਆਪ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਫਿਰੋਸਾ ਤਲਵਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਛਨੇਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਾਰਡਸ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹਬਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਸਤੀ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਤੀ ਵੈਸੇ
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਟੋਨ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਸੈਨੀਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਣ ਸਰ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਛਨੇਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਖੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਤੱਕ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਲਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਲਵਾਣੀ ਕੋ 4 ਨੀ 5 ਨੀ 6 8 10 ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਹੁਣ ਛਨੇਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੀ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੋਡ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 5-6 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, VIP ਰੋਡ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ 'ਤੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵੰਜਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੋਈ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵਾਣੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਥੀਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੱਟ, ਵਾਹ ਸੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਮੋੜ ਘਟੋ ਸੀ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤਲਬਾਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਦਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰ ਤਲਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤਲਬਾਣੀ ਕਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਸੀ ਇਹ ਤਲਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬਾਣੀ ਕਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰਹਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਮਲਿਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬੀ ਤੁਕੇ ਰਮ ਸਿੰਘ ਵੇਸਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆਈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਜਿਦ ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛਨੇਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਨੇ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਕੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਰਹਾਂਦੇ ਕਿੱਥਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਦੋ ਤਲਬਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼, ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲੂਸ, ਅੱਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਨਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥਾਂ ਕਿ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ
मलिक साहबान के घर के बिल्कुल बैक साइड तो ये तो फिर सीधा सीधा रोड शनैली वाले पास ते हर बंदा आंदा वेंदा दुआ करें दे हुण कच्चा रस्ता मेरे ख्याल होंदा तो बारिशों के लोग बड़े परेशान थी वेंदा आवन वजन वास्ते एक लिंक कहना है तलबाणी का बाहरों बाहर लोग आते हैं तो वो काफ़ी देर लग जाती है। हुण अगर कहीं को कुछ गिननी करनी है तो शनैली कनू बंदा इतना गिरम दे तो मेरे ख्याल फटाफट अलग कम थी वेंदे मलिक साहबान के घर के बिल्कुल बैक साइड से एक ये मोड़ है ये तो राइट हैंड के मोड़ते सी तो फिर थोड़ा जागी ते पक्की बड़ी पी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगू जरा बाकी हिस्सा रह गए इंशाल्लाह वो भी अब्बासी साहब अल्लाह करे से वो भी अब्बासी साहब कंप्लीट करा रहे सन तो ये भी दोस्तों की मुहब्बत उसे दोस्तों की कोशिश काविश उसे तो अल्लाह पाक सब कुछ सलामत रखे ये मामला इत तक का जरा ये बन गया ए सी ए जगह तक बन गए सी इतों केर अगी ते जरा मामला है कि कच्चा रोड है बाकी ये दे प्यो ये लेफ्ट हैंड ते बिल्कुल कच्चा रोड है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ता ए भी जरे जाड़े कोई ग्रांडा वगैरह मिल जाए तो साजिद अब्बासी साहब अल्लाह करे से जो ये भी बढ़वा रहे सन ते तलबाणी तो शनैली ते शनैली तो तलबाणी मेरे ख्याल जिमें रोड बन गए तो अगी ते भी अगर कंप्लीट थी वैसे तो इंशाल्लाह सिर्फ 2 मिनट दे विच जस्ट 2 मिनट दे विच बंदा शनैली तो तलबाणी पुजे ए सी देखो रोड इतने तक खत्म थी ना पे ते ए बड़ी मुहब्बत है साजिद अब्बासी साहब की ते ये देखो सी ये दोस्त को पूछे से हाँ सी तुम को किवें हूँ आसानी आसानी थी कि आवन वजन की वो बंदा तो सी खुश है बिल्कुल बिल्कुल खुश आते लाला ए तो इतनी ती बढ़ाई हुई थे बाकी ए भी जड़े जड़े बड़े सो असारा दिल बाग बाग है उए भी तो जल्द ये बन वैसे हूँ ये देखो जो अगर कच्चे रस्ते होवे तो बारिशों के नाल ये हालत होंगी है ये हालत होंगी ना बंदा मोटरसाइकिल लंघा सकते ना बंदा पैदल बन सकते कच्चे रस्ते का लाला ये होंगे तमाम दोस्तों को बल वला वला असा गुजारिश करे सूँ कि जिमें इन्हें मेहरबानी की वे जमीन दीती है वे जगह दीती है वे रोड बनावन की खातर तो बाकी जी बची खुची जगह बच गई है उनके वास्ते भी तो हाँ मुहब्बत करे सो रस्ता देसो जगह देसो ताकि साजिद अब्बासी साहब अगी ते भी रोड बनावन की तरतीब करें तो माशाला बड़ी खुशी थी जल्द मामला दे दे ए मलिक बिरादरी के घर इन सही मलिका के सारे दे उन तो बाद उन्होंने घर के पिछों बिल्कुल रोड़ है सही दोस्तों ये जो रोड ये पे तलबाणी की तरफ होंगे पे तो ये रोड डेरा चौधरी बरकत अली के घर को रखते सही ये वेंदा पे सीधा कमू की बस्ती ये ही वक्त 8 जुलाई 2023 को अज की करंट वीडियो है तो अज असां इंदा विजिट किते से ते ए खोखरे वाली पुली कनू रखते सही ए रस्ता चौधरी बरकत अली दे घर कनू घिनते बस्ती कमू तक ये रस्ता बढ़ता पे तो कुछ कहते से विजिट करवेंदे से इंदा मशीनरी लगी पी है कम थींदा पे रोड बढ़ता पे इंशाल्लाह कुछ जहाड़े दे विच इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट थी वैसे तो बाकी रोड जिमें बन गए तो आपको बराबर लिखा से ये रोड हाल ही कम चलता पे इंदा इंशाल्लाह कुछ जहाड़े दे विच कंप्लीट जिले थी वैसे इंशाल्लाह ये भी तो आपको कंप्लीट उनका व्यू करवे सूँ तो ये देखो दोस्तों कम थींदा पे साजिद अब्बासी साहब दी मुहब्बत ने भी तो एरिए इलाके वाले की भी मुहब्बत के रस्ता कच्चा है ही तो जेरी जगह साइडें तो उन्होंने जमीन वेस्टेज चाहिए इन्हें दोस्तों की मुहब्बत के इन्हें आप वास्ते ही समझो कि फायदा सोचते उन्होंने दिते उन्होंने मुहब्बत उन्हें दा बहुत बहुत शुक्रिया तो ये दोस्त खड़े ने ना कोई मिलते से रफीक भट्टी साहब थी गए बाकी भट्टी साहब थी गए ये सारा एक सिविल इंजीनियर साहब इतना केर ऑलरेडी ड्यूटी ते हैं ये वर्क करेंगे पेन मेरे नाल मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अरशद अब्बासी साहब नाल हैं मेरे देखो वर्क थींदा पे टोटल इंशाल्लाह को जाड़े थी ये रोड कंप्लीट थी वैसी साजिद अब्बासी साहब दी मुहब्बत सही ये देखो गाड़ी चलती पी है कम चलता पे कम थींदा पे बहुत अच्छे तरीके से कम थींदा पे मॉर्निंग द विजिट किते से सवेरे सवेरे द विजिट किते से माशाल्लाह सारे दोस्त एरिया इलाके वाले भी कोऑपरेट कर रहे इतों की लेबर को पानी प्रोवाइड करना ते ए मामलात ये भी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है
कि बाहर के लोग अगर इलाके काम करते पे होवन तो कुछ लोग तो पानी का भी नहीं पुछते, लेकिन इलाके के अच्छे लोग हैं, पानी वगैरह भी उन्हें को प्रोवाइड कर देन, उन्होंने ख्याल भी रखे दिन तो माशाला। असी तलवाणी रोड तो आते हुए मलिक साहबाना के घर के नाल चौधरी इमरान साहब हाजी चौधरी इमरान साहब के घर के बिल्कुल कॉर्नर तो राय जलील साहब की बस्ती जरा रोड वेंदा पे। ये भी माशाला साजिद दबासी साहब की कोशिश काविश उन्हों की मुहब्बत नाल ये रोड भी माशाला कंप्लीट थी गया। अज लास्ट टाइम इनकी वीडियो बनाई है से जरा काम स्टार्ट थींदा पिया ही, अज माशाला ये रोड भी कंप्लीट थी गए तो इनका भी तो विजिट करवें से इतों चौधरी इमरान साहब के घर कनू गिनते राय जलील साहब की बस्ती तक बिल्कुल बराबर वो एंड तक जो है ये रोड भी माशाला कंप्लीट थी गया।
तो विजिट कर देने से भी। दोस्तों आखिरी ये असरे चाचू मास्टर नूर अहमद बुलोर साहब के घर को जरा टुकड़ा कब्रिस्तान रोड साइड का बचा पिया हा, ये फौजी साहब वाले घर की तरफ जरा टुकड़ा बचा पिया हा, मेरे ख्याल 1,900 फुट का, तो ये भी माशाल्लाह कंप्लीट थी गए। तो साजिद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया सर तुहाड़ा कि ये टुकड़ा जरा अमीनाबाद वंजन वेले रस्ते कच्चा रस्ता थोड़ा जहा बचा पिया 800-900 फुट या 1,000 फुट का बचा पिया है, तो आपकी कोशिश काविश आपकी मुहब्बत नाल सी ये भी कंप्लीट कर दिते वे। साडे चाचू नूर अहमद साहब का जरा घर की तरफों ये जरा वेंदा पिया कब्रिस्तान वाली तरफ रोड सी, ये देखो माशाला ये भी कंप्लीट थी गए। तो अज आवन वजन वास्ते ये भी बिल बड़ी आसानी थी गई, जो ये जाते बड़ी गहरी जगह है तो जब बारिश थी तो लोग डिस्टर्ब थे, ये देखो सी इतने तक कंप्लीट थी गए माशाला। तो ये पक्का वाटर है, बिल्कुल पक्के वाटर के उत्ते बिल्कुल लो जो बेहतरीन पक्के वाटर तक रोड बन गए माशाला। देखते पियो आप ये सारे फौजी साहब चौधरी साहबान घर हैं, इन्हें कोई बड़ी आसानी थी कि ये काफ़ी सारा रास्ता खराब है जैसे बारिश थी ये लोग डिस्टर्ब थे आवन वजन वाले लोग डिस्टर्ब थे। सर साहब तहे दिल तू तुहाडा शुक्रिया अदा करेंगे से असा भी, तो ये तमाम दोस्त साहबाब भी दुआ करेंगे आपको, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो ये सारी आखिरी वीडियो है, तमाम वीडियोस कनेक्टेड थी गए, तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करे सो असारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, असारी वीडियोस को लाइक करे सो, शेयर करे सो दोस्तों नाल, ते अपने इलाके दे जो तरक्याती कामकार थी सन ते इंशाल्लाह उन्हें दे वीडियोस वगैरह अपने ही चैनल ते अब्बासी व्लॉग तलवाणी ते अपलोड थी सन, ते असारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सो, असारी वीडियोस को शेयर दोस्तों नाल जरूर करे सो सी। बहुत शुक्रिया, मिलते से इंशाल्लाह अगली नवी वीडियो नाल।